मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दांव नेता खेलेंगे। मध्य प्रदेश में आज थम जाएगा उपचुनाव का प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज दम दिखाएंगे। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर दोनों दलों का फोकस है। चंबल में प्रचार करेंगे सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। कमलनाथ भी आज मुरैना में रोड शो करने जा रहे हैं। इधर ग्वालियर में कार्यकर्ताओं से कमलनाथ की मुलाकात भी होगी। मालवा की सीटों पर रोड शो करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो बड़े दिग्गज नेता आज आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। प्रचार शाम 6 बजे के पहले थम जाएगा। ग्वालियर चंबल की सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। मालवा में ऊर्जा संभालेंगे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुवासरा में उनकी सभा होने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज मुरैना में रोड शो करेंगे। 28 सीटों पर उपचुनाव है मध्य प्रदेश में। पहली मरतबा इतनी ज्यादा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव सत्ता का भविष्य तय करेंगे। सत्ता किसकी होगी, राजनीतिक करियर कई नेताओं का दांव पर लगा हुआ है। प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए भी है, साथ ही कमलनाथ के लिए भी। वीडी शर्मा के लिए भी एक बड़ी चुनौती, इसलिए कि बीजेपी का नेतृत्व प्रदेश का संभालने के बाद उनके नेतृत्व में बड़ी परीक्षा बीजेपी की हो रही है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है और ग्वालियर चंबल से ही आते हैं, इसलिए लगातार वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दो संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सुधीर और नासिर हमारे साथ में हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले सुधीर, आज आखिरी दिन है प्रचार का, आज जितने दांव लगाने हैं, जितनी बयानबाजी करनी है, पूरी कसर आज खत्म कर देंगे नेता। ऐसे में देखा जाए तो क्या खास आज दिन भर, और नेताओं को कितनी कसरत करनी पड़ी है इतने दिनों में? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रचार मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हुआ है, लगा नहीं कि कोई उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चूंकि सरकार बनाने का चुनाव है। लिहाजा आम चुनाव की तरह पर यहां पर बड़े नेताओं के दौरे जो है वो लगातार देखने को मिले। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे जो है चुनावी शोर थम जाएगा। उससे पहले दिग्गज नेताओं का प्रचार अभियान अपनी रफ्तार पर है। खासकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगर मालवा और हाट पिपलिया सहित जो मालवा निमाड़ की सीटें हैं वहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिमनी विधानसभा और ग्वालियर के अंदर जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और अपने प्रचार अभियान को अंतिम, आज जो प्रचार अभियान है उसको गति देंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर भी आज अंबा, दिमनी और महगांव जो विधानसभा है उस पर प्रचार के दौरे पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भिंड के महगांव में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो शिवपुरी की करेरा विधानसभा सीट पर उमा भारती के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, जिन चेहरों की दम पर बीजेपी चुनाव मैदान में जा रही है, इस बार लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये वो चार चेहरे हैं जिनका ग्वालियर चंबल अंचल और पूरे मध्यप्रदेश की सभी 28 सीटों पर सबसे ज्यादा असर रखता है। लिहाजा इन चेहरों के इर्द गिर्द ही पूरे प्रचार का जो ताना माना था बीजेपी ने बना था, और आज जब अंतिम दौर का प्रचार है तो ये चार प्रमुख चेहरे जो है ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। शाम को 5 बजे तक लगातार इन नेताओं के जो चुनावी कार्यक्रम है वो बीजेपी की ओर से तय किए गए हैं। जनसभाओं के साथ में आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उसके बाद जब चुनावी शोर थमे तो आगे की रणनीति डोर टू डोर कैंपेन करने की प्रत्याशियों के माध्यम से होगी। पर लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजन के अंदर जिस तरीके से भारी नेताओं का जमावड़ा लगा था, आज शाम 5 बजे के बाद में ये जमावड़ा जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तब तक और मुरैना में आज रोड शो भी होने जा रहा है। नासिर, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, पीछे इनकी पूरी टीम काम कर रही है। संगठन की रणनीति अब बेहद खास हो जाती है। आप देख सकते हैं कि रोड शो में आज अभी कुछ देर बाद रोड शो है, रोड का शुरू हो जाएगा, इसके अंदर बहुत कुछ है वो शामिल रहेंगे। और जिस तरह से बीजेपी की ताकत है या कांग्रेस की ताकत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी सभाएँ करें, और इसी के तहत आज पीसीसी चीफ ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पे है मुरैना में। यहाँ पर वो रोड शो करेंगे, उसके बाद ग्वालियर पहुँचकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर मैदान में लेंगे, और उसके बाद 2 बजे ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे।
और ऐसे में सबकी निगाहें ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि कमलनाथ किस तरह से बीजेपी पर अपने निशाने पर लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लेते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही उनका जो राष्ट्रीय प्रचारक का जो दर्जा है वो चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन से लेकर पुलिस सब पर निशाने साध रही है और उसके तहत आज कमलनाथ की पीसी है, रोड शो है और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से कमलनाथ अपने अंदाज में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था और साथ ही चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि स्टार प्रचारक से उनको कोई ज़्यादा वास्ता नहीं था, क्योंकि उनका जो दर्जा था वो भले ही समाप्त कर दिया, लेकिन वो एक आम आदमी के तौर पर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, ऐसे में उनको कोई भी ताकत जनता के पास जाने से नहीं रोक सकती है। रोड शो की बात करें तो कुछ देर में यहाँ पर मुरैना में रोड शो है वो शुरू हो जाएगा, लगभग 8 किलोमीटर का ये रोड शो रहेगा जिसके अंदर सीसीटीवी कमलनाथ रहेंगे, प्रमोद कृष्णन रहेंगे और कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भी उनके साथ आ सकते हैं। ये राकेश मामाई है जो मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में ये कमलनाथ का ये रोड शो है और ऐसे में पुरजोर कोशिश यही है कि क्योंकि मुरैना सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 5 सीटें हैं जहाँ पर अकेले चुनाव होना है। ये 28 सीटों में से ऐसा जिला है जहाँ पर 5 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस ने पूरी ताकत मुरैना में झोंकी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और जाहिर तौर पर ग्वालियर चंबल ही सबसे ज्यादा फोकस में है दोनों ही पार्टियों के, चाहे वो ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा जोर लगा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जोर लगा रहे हैं। नजर बना रखेगा आप दोनों का शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ का रोड शो, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव के लिए आज आखिरी दिन है और दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं चुनाव प्रचार पर। तो मुरैना की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कमलनाथ के रोड शो में भीड़ उमड़ पड़ी है। उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार, ऐसे में दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। रोड शो मुरैना से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कमलनाथ रोड शो कर रहे हैं और प्रचार की पूरी कमान कमलनाथ ने खुद संभाल रखी है। लगातार अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं रोड शो कर रहे हैं कमलनाथ और ऐसे में आज अंतिम दिन है प्रचार का, आज थम जाएगा। तो भारी भीड़ आप देख सकते हैं रोड शो में उमड़ी है। तो नगाड़ों बाजों के साथ ये रोड शो मुरैना से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कमलनाथ पहुंचे हुए हैं रोड शो करने। तो राकेश मवई के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं कमलनाथ। सड़क पर भारी भीड़, उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। तो रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुरैना पहुंचे हुए हैं कमलनाथ। कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी भीड़ कमलनाथ के रोड शो में, आज प्रचार का आखिरी दाम है और आखिरी दिन। अब ये प्रचार, ये चुनावी सभाएं, ये रोड शो कितना असर लोगों के जहन में करेंगी ये देखने वाली बात होगी कि भीड़ क्या पूरी वोटों में बदल पाती है, क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आ पाती है। हालांकि पूरी कोशिश कमलनाथ ने की है पहले दिन से लेकर अब तक, आज अंतिम दिन तक चुनाव प्रचार, उपचुनाव की प्रचार की कमान कमलनाथ ने खुद संभाल रखी है। तो भीड़ बहुत ज्यादा जुटी है रोड शो में। दिखाते हैं जो करते हैं वादा निभाते हैं।
नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नासिर, आपको याद होगा जब कमलनाथ ने चुनाव प्रचार का आगाज ग्वालियर से किया था, उस समय भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, भारी भीड़ उमड़ी थी। क्या समझे कांग्रेस के लिए कितना सकारात्मक संदेश है ये? देखिए, कांग्रेस के लिए वाकई में सकारात्मक संदेश है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही कमलनाथ का रोड शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप पैर रखने की जगह नहीं है। तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस बहुत अच्छे फॉर्म में है, और उसी के तहत आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का मुरैना में रोड शो है। मुरैना के अलग अलग हिस्सों से, यानी कि मुख्य बाजारों से होता हुआ ये पहुंचेगा, लगभग 6.5 किलोमीटर का ये रोड शो रहेगा, और उसके बाद ये ग्वालियर पहुंचेंगे, और ग्वालियर में इनफैक्ट मैदान में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके साथ इनकी बैठक है, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन जिस तरह से जो माहौल दिख रहा है वो लगभग लगभग कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा जाते हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आज लास्ट दिन है प्रचार का, तो ऐसे में दोनों दलों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, और उसी के तहत आज कमलनाथ पहली बार अपने बेटे नकुलनाथ के साथ यहाँ पर जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। उनके साथ में सुदेव कृष्णन भी है, और जो राकेश मावई है उनके समर्थन में ये उनका रोड शो है। तो ये रोड शो की जो तस्वीरें हैं, आप साफ लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सब लोग, उसमें देखा जा सकता है कि कितनी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये बताने वाली बात यह है कि मुरैना जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है, और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुरैना जिले में फोकस किया जाए, माहौल बनाया जाए कांग्रेस के लिए, और उसी कड़ी में लगातार आप देखें, चाहे कमलनाथ की मुरैना की दिमनी में विधानसभा में जनसभा हो, या फिर जोरा में सभा हो, या सिमावली में सभा हो, और मुरैना के अंदर भी लगातार इस तरह का माहौल कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। इसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाया जा सके और कांग्रेस के पक्ष में माहौल करा सके, और जितनी भी जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है उनकी, जो जिस तरह की जो सरकार को गिराने की जो कोशिश की गई थी उसको लेकर वो संवाद कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो अपनी बात एक तहस और तहस तरीके में वोटर्स के पास पहुंचाई जा सके। अगर ये वोटर्स उनकी बात को समझ जाते हैं तो वाकई में 10 तारीख को नतीजे कुछ उलट हो सकते हैं। बिल्कुल नासिर, और जब से ये चुनाव प्रचार का आगाज हुआ है, आपने भी जैसा कहा कि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं वो बहुत मायने रखती हैं उपचुनाव के लिहाज से, इसीलिए ये समझा जाए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कमलनाथ ने खुद कमान संभाली है प्रचार की, और आगाज के साथ साथ आज अंजाम भी प्रचार का यहीं से कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ कांग्रेस में वन मैन शो है, और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी का एक बड़ा गुटबा चुनावी मैदान में है ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं, और ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों को कवर करने की उनकी कोशिश है, और उसी के तहत आज ये रोड शो है। जिस तरह का जो माहौल दिख रहा है, इससे पहले ग्वालियर में उनका रोड शो हुआ था, 2 दिन का ये रोड शो था, और जो माहौल था वो वाकई देखने लायक था, और उसी तरह का माहौल आज फिर मुरैना में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से देख सकते हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ में रोड शो कर रहे हैं, और जिस तरह की जो भीड़ है वो बाकी बेचैन करने वाली है, दूसरे जो दल है उनके लिए बेचैन करने वाली ये तस्वीर है, लेकिन जिस तरह का जो माहौल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी जो ताकत है वो पुरजोर तरीके से दिखाने की कोशिश में है, और उसी के तहत आज कांग्रेस का ये मेगा रोड शो है। रोड शो के अंदर जिस तरह से जो लोग हैं हजारों की संख्या में मौजूद है, और जैसे कि चुनाव आयोग ने भले ही कमलनाथ से राष्ट्रीय प्रचारक होने का दर्जा है वो छीन लिया हो, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें राष्ट्रीय प्रचारक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो पद नहीं है जिसके तमके को लेकर उनको जो बात कहनी है जनता से कहनी है, वो जनता को सहज तरीके से और मिलकर अपनी बात समझाएंगे, मैसेज को कांग्रेस के मैसेज को प्रिंट करेंगे। नासिर, ये जो भीड़ है, कई बार चुनाव आयोग तक भी बात पहुंची कि गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, क्या कोरोना को देखते हुए ये भीड़ थोड़ी सी खतरनाक नहीं लगती? देखिए, ये अकेली कांग्रेस की भीड़ नहीं है, इससे पहले अगर बीजेपी की देखें तो बीजेपी की भीड़ भी इस तरह की रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो कोरोना की गाइडलाइन है कहीं ना कहीं उसका वायलेशन जरूर कर रही है। भले ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे दे दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी कट टू लाइन है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, अगर उल्लंघन करता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद अपन देखें तो ग्वालियर चंबल अंजलि देखें तो 16 सीटों पर जिस तरह से जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन है उससे
महंगी रही है, क्योंकि उससे पहले देखें तो ग्वालियर में रोड शो हुआ, मुरैना में रोड शो हुआ सीएम शिवराज सिंह चौहान का, उसमें भी हजारों की संख्या में भीड़ थी वो मौजूद थी। बिल्कुल नासिर, और चूंकि आज आखिरी दिन है और जो कमलनाथ ने घोषणाएं की हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो या आंगनबाड़ी सहायिका हो, इनको स्थायी कर देने का जो दांव खेला है, आपको लगता है क्या ये असर करेगा उपचुनाव में? देखिए असर कितना करेगा ये तो 10 तारीख के नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो उसने 15 महीने में जो उसकी लैंडमार्क की जो योजनाएं थी, यानी कि शुद्ध में युद्ध और कई सारी योजनाएं थी किसानों को लेकर थी, तो उसके लेकर वो अपना जो मूवमेंट है, जो प्रचार है, कैंपेन है, उसको लेकर आगे बढ़ रही, लेकिन उसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी योजनाओं के जरिए और जो वोटर्स है उसको अपनी ओर मोड़ सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये चुनाव जो है मुद्दों पर नहीं है, बल्कि ये चुनाव अब गद्दार बनाम वफादार पर टिक कर रह गया, और उसी कड़ी में आप देखेंगे इस तरह का जो माहौल है वो यही। बिल्कुल नासिर, मुझे लगता है कि मुद्दे, वादे, घोषणाएं ये सब किनारे हो जाती हैं और जो मुख्य मुद्दा है वो वफादार और गद्दार पर ही केंद्रित हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर हमसे बातचीत के लिए।